मेरे पास ऑफर नहीं आया है, लेकिन हाँ आएगा तो मैं जरूर करूंगी। ऐसी क्या बात है, क्योंकि बिग बॉस में हम देखते जल से पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है सेलिब्रिटी। अभी हम देख रहे अली हो, जैस हो, अर्शी खान ने कितना अच्छी तरह से खेला बिग बॉस के अंदर जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताऊं मैं आपको, तो मैं बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखती तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं बाहर से सुनती रहती हूँ लोगों के बारे में बहुत कुछ, तो पता चलता है कि इन्होंने अच्छा किया। बट हाँ मैं सोशल मीडिया ज़रूर चेक करती हूँ लोगों का, सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है। 20-25,000 कमेंट्स आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, फिर अपनी रूबीना, बहुत सारे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। जैस्मीन है, करेक्ट। सो यस, मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं खेलना ज़रूर चाहूँगी। OTT प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन इन दिनों म्यूजिक आप देख रहे हैं, जैसे कि आप सिद्धार्थ और शहनाज की अगर जोड़ी अगर हम बात करें, जैस और अली की बात करें, रूबीना और अभिनव शुक्ला, तो ये या माहिरा और ये अर्शी खान का भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं कई सारी सेलिब्रिटी म्यूजिक बना रहे। तो आप इन सेलिब्रिटी के साथ किन के साथ आप सॉन्ग करना पसंद करेंगे? सबके साथ करना चाहूँगी, सारे सॉन्ग्स मुझे दे दो। म्यूजिक वीडियो में आपको क्या लगता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में आजकल म्यूजिक वीडियोस आपने अगर देखा होगा तो मैंने 8-10 सॉन्ग्स अभी तक किए हुए हैं, और मेरे 2 सॉन्ग्स रिलीज पर भी है जो मैंने मुद्दसर खान के साथ शूट किया, जो हमारे कोरियोग्राफर है, और सोशल मीडिया सेंसेशन जुबिन शाह, समीर मार्क जो है इन्फ्लुएंसर्स है, हाँ जुबिन शाह के साथ मैंने किया, अभी वो आने वाला है म्यूजिक वीडियो, हमने जैसलमेर में शूट किया था उसको। थोड़ा कुछ आप बताइए क्या है वो म्यूजिक वीडियो जुबिन का? इट्स अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी, इट्स अ ट्रायंगुलर, इसमें निवेदिता भी है जो एक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, एंड जुबिन की मैं गर्लफ्रेंड होती हूँ, निवेदिता इट्स अ डाइट कैरेक्टर। या सो बहुत ही प्यारा गाना है जो हमने जैसलमेर की हवेलियों में शूट किया है, एंड इट्स कमिंग वेरी वेरी सून, आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। और दूसरा मैम, दूसरा समीर मार्क के साथ किया हुआ है मैंने। सो बेसिकली वो सॉन्ग का ये है कि एक कपल में जब फाइट होती है, सो सॉन्ग का नाम है दुनिया गोल है, ठीक है, तो एक कपल में जब फाइट होती है एंड देन समझ नहीं आता, छोड़कर चले जाते हैं, बट जब रियलाइज़ होता है घर जाने के बाद, झगड़ा यू नो 2-3 घंटे बीतते हैं, तब इतना लगता है बेचैनी से होने लगती है, दैट यू नो अनइवन सा लगने लगता है, तो वो होने लगता है इसमें, एंड देन दे कम बैक टुगेदर फाइट के बाद। जैसे कि आपने बता दिया आपका सॉन्ग है, कब आएगा और कब आने वाला है? नेक्स्ट मंथ रिलीज है सॉन्ग, नेक्स्ट मंथ रिलीज है, तो क्या बम्पर पार्टी होगी इसकी? इसका म्यूजिक लॉन्च करेंगे, बिकॉज ये भी एक नए चैनल पर आ रहा है, सॉन्ग्स दोनों भी न्यू चैनल पर आ रहे हैं। नो, इट्स नॉट ऑन मी लाइफ, बट इट्स अ न्यू चैनल, न्यू म्यूजिक चैनल, आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ, बट इसकी प्रॉपर यू नो इनॉग्रेशन एंड म्यूजिक लॉन्च होगा। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए, आपने आज बहुत सारी जानकारी दी, आखिर में अपने फैंस से कुछ कह दीजिए? मैं बस आई वांट टू से एवरीवन दैट इतना प्यार दिया है, आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहो, एंड आई विल एंटरटेन यू गाइस, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मैं करती हूँ, और फिल्मों में भी करूँगी, म्यूजिक वीडियोस के जरिए मैं करूँगी एंटरटेन, एंड देन थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।